उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 का बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें, उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान के बाद 3 मई को केदारनाथ यात्रा स्थगित करने के बाद बीते दिन गुरुवार 4 मई को यात्रा को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद एक बार फिर यात्रा को रोक दिया गया। धाम से करीब 3 किलोमीटर पहले ग्लेशियर के टूटने की वजह से यात्रा को रोका गया। ग्लेशियर के पैदल मार्ग पर आने की वजह से केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्री फंस गए थे। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए भेजे तीर्थयात्री गौरीकुंड में फंसे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR सहित देश के कई राज्यों से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग भैरव और कुबेर गदेरे के बीच ग्लेशियर आने के कारण फिर से बंद हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देशों पर मार्ग खोलने का काम जारी है, लेकिन पैदल मार्ग पर भारी बर्फ के जमा होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। बता दें, गुरुवार दोपहर को मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू किया गया था, लेकिन दोपहर 2:25 पर फिर से इसी स्थान पर ग्लेशियर टूटने से मार्ग बंद हो गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम पैदल यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू न होने तक केदारनाथ की यात्रा पर न जाए, वे जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर सुरक्षित ठहरे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो यात्री हेली सेवा से दर्शन करना चाहते हैं, वे हेली सेवा द्वारा केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं।